हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब सरकार ने हरियाणा को जीरो ड्रॉपआउट राज्य बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। सूबे में शिक्षा को लेकर चल रहे काम और इस क्षेत्र से जुड़े कई दूसरे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीपीपी डेटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ट्रैक करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा करने के पीछे मकसद बच्चों का एजुकेशन स्टेटस पता लगाना है। डेटा में दर्ज बच्चा अगर किसी सरकारी, निजी स्कूल, गुरुकुल, मदरसे या कदम स्कूल में नामांकित नहीं है तो उसे शिक्षा देने की ओर सरकार की ओर से कोशिश की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चा स्कूल जाए, यही सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। बच्चे अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, इसके लिए स्कूलों में बच्चों और शिक्षा का अनुपात भी सही होना चाहिए। स्कूली बच्चों को परिवहन में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को स्कूल तक आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक पर स्थित स्कूल में आने जाने के लिए सरकार की ओर से बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को स्कूल ट्रांसपोर्टर ऑफिसर के रूप में नामित किया जाए, जिसका कार्य ऐसे बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा जिन्हें परिवहन सुविधा की आवश्यकता है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर भी एक स्कूल ट्रांसपोर्टर ऑफिसर नामित किया जाए, जो ब्लॉक में स्थित स्कूलों के एसटीओ के साथ समन्वय स्थापित कर परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विद्यार्थियों का डाटा MIS पोर्टल पर लगातार अपडेट करने के लिए DEEO को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में कहा कि हरियाणा सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बचपन से ही बच्चों की बुनियाद मजबूत करने की ओर जुटी है, जिसके लिए सरकार ने 4000 आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया है, जहाँ बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो बाल वाटिकाएं स्कूल परिसर में चल रही हैं, उनकी जिम्मेदारी स्कूलों को दी जाएगी ताकि बच्चों को और बेहतर शिक्षा मिल सके। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।